नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लोग मंच पर जब सबसे पहले बैठते हैं या फिर कहीं स्टेज प्रोग्राम में या कहीं भी बैठते हैं तो खासकर लोग जो है सुमरनी करते हैं, यानी कि सबसे पहले दो लाइन का कीर्तन, मतलब भजन, कहने का मतलब मेरा यह है कि भजन या फिर कोई दो लाइन की वंदना गाते हैं। तो आज एक हम वंदना जो हमने अभी तक यूट्यूब चैनल पर अपने नहीं डाली है, तो आज हम डालने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी सी वंदना है, अगर आपको ये वंदना सीखनी है तो प्लीज़ वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा। नए सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी सीखना है, बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत सिंपल है। ज़्यादा कुछ इसमें इधर उधर बजाना आपको नहीं है, बस आप इस वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा, आपके 100% समझ में जाएगी। ये सिर्फ हमारी ओनली धा तक जाएगी और धा के बाद में वापस चली जाएगी, यानी कि बहुत सिंपल है, शुद्ध स्वरों पर है। आज की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। पूरा हम आपको गाकर यहां पर पूरी वंदना आपको गाकर सिखाएंगे, पूरी आपको पूरी पूरी निकालना, आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। तो आ जाइए देखते हैं किस तरीके से है। ये है, ठीक है, कन्हैया फिर से आ जाना, पहली हेडिंग डाल लीजिए अपनी डायरी में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। ठीक है, तो देखो यानी कि जब मंच पर आप सब, हम सब ग्वाले ही समझ लीजिए, भगवान के दास हैं, भगवान के चरणों के दास हैं, तो है ना। तो आ जाइए देखते हैं किस तरीके से हमें पहली लाइन अपनी क्लियर करनी है, सीखनी है। तो देखो कि कन्हैया यहाँ से उठेगी, कन्हैया 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 का नहिया, ठीक है, पा सा सा कन्हैया, फिर से ऊपर ही ऊपर जाना है आपको। देखो कन्हैया फिर से, कन्हैया फिर से, ठीक है, ये बोल देखिए, ये बोल इतनी बटनों पर निकल रहे हैं हमारे, कन्हैया फिर से आ, कन्हैया फिर से आ, कन्हैया फिर से आ जाना। अब हम माँ से क्या किया, माँ गा रे गा पा मा, ये है, एक बार और देख लीजिए फिर उसके बाद आगे का, कन्हैया फिर से आ जाना, आ जाना हमारी गारे सा गारे सा, कन्हैया फिर से आ, ठीक है, आ आ आ जा ना, आ जा ना हमारी हमारी ग्वाल टोली में। ये जो हमारा इसमें सिर्फ कोमल गा का यूज है बस, कन्हैया, अब इतना तो क्लियर कर लिया ना, अब आगे का देखो, मैं एक बार पूरा गा रहा हूँ फिर आगे का बता रहा हूँ, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, तरस तुम फिर दिखा जाना हमारी ग्वाल टोली में। ये चीज़ पूरी लाइन है, अब इस चीज़ को उठान, मतलब दोनों लाइनें सेम चलेंगी, पहली लाइन कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, फिर उठाओगे उसी चीज़ को, वही चीज़ को उठाकर गाना है। अब वो उठाकर कैसे गाना है वो देखो, कन्हैया फिर से आ जाना, अब ये चीज़ देखो, पा 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 मा गा मा धा पा, पा पा मा गा मा धा पा, ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है यही चीज़ है, ध्यान से देखिए, कन्हैया फिर से आ जाना, समझ में आ गई नहीं आई, समझ में आ गई होगी, एक बार और देखो, कन्हैया फिर से आ, अब इन दो बटनों पर आ निकलेगा, आ आ, ठीक है, कन्हैया फिर से आ जाना
कन्हैया फिर से आ जाना, कन्हैया फिर से आ जाना। क्लियर, 100% क्लियर हो गया होगा। हमारी अब ये चीज पामा गारे हमारी ग्वाल टोली में। अब हमें रे पर रुक जाना है भाई, मेरे रे पर रुक जाना है। देखो एक बार और, उसके बाद आगे का। कन्हैया फिर से आ जाना हमारी, अब ये चीज हमारी ग्वाल टोली में। अब ये ग्वाल टोली में रे रे मागा रे सा ग्वाल टोली में। अब फिर वही मुखड़ा हमारा, मुखड़े वाला वही नोटेशन लेना है हमको। दरस तुम फिर, देखो दरस तुम फिर दिखा जाना हमारी, दरस तुम फिर दिखा जाना हमारी ग्वाल टोली में। ठीक है, अब बात करेंगे हम आंत्रा की ओर। तो आंत्रा की ओर देखिएगा आप भाई। सुना हम ने ग्रंथों में, अब सुना हम ने ग्रंथों में, सेम वही लाइन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या फर्क है। सुना हम ने ग्रंथों में। ये चीज करना है आपको। सुना हम ने ग्रंथों में के तुम बंसी बजाते थे। अब ये चीज करना है आपको, बस आपकी आंत्रा इसी पर पूरी प्ले होगी। वो आंत्रा में क्या बोलना है वो हम बताएंगे अभी। सुना हम ने ग्रंथों में के तुम बंसी बजाते थे। सुना हम ने ग्रंथों में के तुम बंसी बजाते थे। के बंसी, अब फिर अगली लाइन के बंसी फिर बजा जाना, वही चीज चलेगा यानी स्थाई। के बंसी फिर बजा जाना हमारी ग्वाल टोली में। अब इसी तरीके से आपको पूरी अंतरा प्ले करनी है। अगली लाइन अंतरा की। सुना हम ने ग्रंथों में के तुम दैया चुराते थे, के दैया फिर चुरा जाना हमारी ग्वाल टोली में। फिर उसी तरीके से सुना हमने ग्रंथों में तुम माखन को चुराते थे, कि माखन फिर चुरा जाना। सुना हमने ग्रंथों में कि तुम चीर चुराते थे, चीर फिर से चुरा जाना हमारी ग्वाल टोली में। इस तरीके से आप हर जगह की आराम से बोल सकते हैं पूरा, जहाँ जहाँ की भगवान सुना। इस तरीके से आराम से जो भी आपको 3-4 लाइनें कड़ी बना लीजिए और आराम से गाइए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।